तमाम 10 के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपके सामने उर्दू के अहम सवालात व जवाबात चैप्टर 1 डिप्टी नज़र अहमद इंतखाब अज इब्नुल वक्त फॉर क्लास 10 के लिए मध्यामिक एंड मदरसा बोर्ड से मुतल्लिक कुछ सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है यानी 31, बहादुर शाह जफर के बेटों में किस बात को लेकर तनाजा था? तो जवाब होगा, बहादुर शाह के बेटों में वली अहद के मसले को लेकर तनाजा था, यानी झगड़ा था। वली अहद यानी कौन वली अहद बनेगा, इस वजह से तनाजा था, इस बात के लिए उनमें तनाजा मैंने झगड़ा था। सवाल नंबर 32 है, मिर्जा जवाब वक्त किसके खूंटे पर कूदते थे? तो मिर्जा जवाब वक्त ये बहादुर शाह के बेटे थे, वो किसके खूंटे पर कूदते थे? तो जवाब होगा, मिर्जा जवाब वक्त अपनी वालदा नवाब जीनत महल के खूंटे पर कूदते थे। मिर्जा जवाब वक्त अपनी वालदा नवाब जीनत महल के खूंटे पर कूदते थे। नवाब जीनत महल जो है बहादुर शाह जफर की बीवी थी, और मिर्जा जवाब जो थे वक्त जो थे वो बहादुर शाह जफर के बेटे थे। तो वो किसके खूंटे पर कूदते थे? अपनी वालदा जीनत महल के खूंटे पर कूदते थे। सवाल नंबर 33 है, इब्नुल वक्त को अंग्रेज़ों की लाल से कहाँ परी नज़र आई? तो जवाब होगा, इब्नुल वक्त को चौथे दिन के शाम के वक्त सड़क की बाएं जानिब अंग्रेज़ों की कुछ लाशें पड़ी नज़र आई। इब्नुल वक्त को चौथे दिन के शाम के वक्त सड़क की बाएं जानिब अंग्रेज़ों की कुछ लाशें पड़ी नज़र आई। यह आपको जवाब आप सुन करके याद कर सकते हैं, आपको इम्तहान की अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप रोज़ाना पाबंदी के साथ इस वीडियो को देखेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगी। सवाल नंबर 34 है, पिनचक्कियों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात किस शख्स से हुई? पिनचक्कियों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात किस शख्स से हुई? तो जवाब होगा, पिनचक्कियों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात उमर जा निसार से हुई। पिनचक्कियों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात, इब्नुल वक्त यहाँ पर कौन है? इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद को ने अपने खुद को इब्नुल वक्त कहा है। इब्नुल वक्त उसको कहते हैं जो मौका शनास होता है और वक्त को देख करके, वक्त के हालात को देख करके काम करता है, उसको कहते हैं इब्नुल वक्त। तो पिनचक्कियों के करीब इब्नुल वक्त की मुलाकात उमर जा निसार से हुई। सवाल नंबर 35 है, जा निसार यानी यहाँ पर ये जो है नहीं जा निसार जा निसार जानिसार को कौन थे? जानिसार जो थे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब का इर्दली थे। इर्दली के मतलब होता है चपरासी, इर्दली के मतलब होता है चपरासी, वो कौन थे? चपरासी थे यानी दरवान थे। जानिसार कौन थे? तो जानिसार अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब का इर्दली था, माने होता है चपरासी था। उसके बाद है 36 है, जानिसार इब्नुल वक्त से मिलने क्यों आया था? तो जानिसार जो है वो अपने ज़ख्मी नोबल साहब की जान बचाने के लिए मदद मांगने आया था। जानिसार इब्नुल वक्त से मिलने क्यों आया था? तो वो अपने ज़ख्मी नोबल साहब की जान बचाने के लिए मदद मांगने आया था। किसके पास आया था? वो इब्नुल वक्त के पास आया था। 37 है, इब्नुल वक्त ने ज़ख्मी अंग्रेज़ को बचाने के लिए क्या किया? तो जवाब होगा, इब्नुल वक्त ने अपने दो नौकरों की मदद से ज़ख्मी नोबल साहब को अपने फूफी के घर पनाह दी, यानी अपने फूफी के घर लेके गए थे। इब्नुल वक्त ने ज़ख्मी अंग्रेज़ को बचाने के लिए क्या किया? तो जवाब, इब्नुल वक्त ने अपने दो नौकरों की मदद से ज़ख्मी नोबल साहब को अपने फूफी के घर पनाह दी। अच्छा तलबा बच्चे, आप लोगों को एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने डिप्टी नज़ीर अहमद के मुतालिक पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है,
अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। आपके ये चैनल जो है क्लास एट से लेके क्लास बीए यानी बीए तक के बच्चों के लिए है और इसमें अच्छे अच्छे मालूमात आपको मालूमात होगी अगर आप इस चैनल को पाबंदी के साथ देखेंगे। शुक्रिया। 38 है, इब्नुल वक्त फिक्रमंद क्यों था? इब्नुल वक्त फिक्रमंद क्यों था? तो जवाब होगा, अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब को अपनी फूफी के घर में पनाह देकर उसने हिंदुस्तानी बागियों से दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए वह फिक्रमंद था। अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब को अपनी फूफी के घर में पनाह देकर उसने हिंदुस्तानी बागियों से दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए वह फिक्रमंद था। अच्छा, एक चीज़ और है कि इब्नुल वक्त यानी उस वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद, ये 1857 ईस्वी की गदर की बात हो रही है कि उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ काबिज हो गए थे और अंग्रेज़ों के जो है ना, तो उस वक्त अंग्रेज़ी सीखना मुहाल था, लेकिन लोग हकारत की निगाह से देखते थे, अंग्रेज़ी सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन इब्नुल वक्त जो है वह अंग्रेज़ी सीखे। दिल्ली में कुछ चंद बच्चे अंग्रेज़ी सीखते थे, उसमें इब्नुल वक्त यानी डिप्टी नज़ीर अहमद भी शामिल थे। तो जो बागी जो लोग होते थे बागी, उनको कहा जाता है जो दुश्मनी करते हैं उनको कहते हैं बागी। तो हिंदुस्तानी बागियों से दुश्मनी मोल ली थी किसके लिए? तो एक अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट नोबल साहब को अपनी फूफी के घर में पनाह दी यानी उसको बचाने के लिए, वो ज़ख्मी था उसको बचाने के लिए पनाह दी, उसकी वजह से हिंदुस्तानी बागियों से दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए वह फिक्रमंद था। सवाल नंबर 39 है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आया, हमको फिर से बताइए। ठीक है, आप बार बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 39 है, इब्नुल वक्त मदद के लिए किसके पास गया था? तो इब्नुल वक्त मदद के लिए किसके पास गया था? तो जवाब होगा, इब्नुल वक्त मदद के लिए शाह हक्कानी साहब के पास गया था। इब्नुल वक्त मदद के लिए शाह हक्कानी साहब के पास गया था। अच्छा, सवाल नंबर 40 है, शाह हक्कानी साहब कौन थे? शाह हक्कानी साहब कौन थे? तो जवाब होगा, शाह हक्कानी साहब एक खुदा रसीदा बुजुर्ग थे जिनका मुअत्तकीद सारा शहर था। मुअत्तकीद में चाहने वाला उनका यानी उनका फॉलोअर, उनका मानने वाला पूरा सारा शहर था। शाह हक्कानी साहब एक खुदा रसीदा बुजुर्ग थे जिनका मुअत्तकीद सारा शहर था। सवाल नंबर 41 है यानी 41 है, खानकाह में हुजूम क्यों था यानी भीड़ क्यों थी? खानकाह में हुजूम क्यों था? तो जवाब होगा, बागियों का सरदार वहां उलमा से जिहाद के फतवे पर मोहर लगवाने आया था। बागियों का सरदार वहां उलमा से जिहाद के फतवे पर मोहर लगवाने आया था, उस वजह से खानकाह में लोगों का हुजूम था। और खानकाह कहते हैं जहाँ पर दरवेश लोग रहते हैं यानी खुदा रसीदा बंदे यानी खुदा के बुजुर्ग बंदे जो यहाँ पे रहते हैं उसको कहते हैं खानकाह। तो खानकाह में बागियों का सरदार वहाँ उलमा से जिहाद के फतवे पर मोहर लगवाने आया था, इस वजह से खानकाह में लोगों का हुजूम था। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।